Hello friends, how are you? I hope you all are healthy and well-being. So welcome back in our channel. Myself, Abhishek Kumar, and we are the mentor. So today I will discuss very important and interesting chapter of the 11th NCERT that is the cell, the unit of life. It means how to life form through cell, because we each know cell is the basic unit of life. So in this particular chapter, we detail discuss about cell. So I hope you all enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friend. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in the super box and about section on my channel. So please go through about section on my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you really appreciate with me. So watch the video and keep support. Hello friends, welcome back to another new video and an interesting video. So now we discuss about cytoskeleton. Cytoskeleton kya hota hai? मैं सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा. तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी. तो फर्स्ट पीरियड फर्स्ट रिटन इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आफ्टर दैट एलिब्रेट ईच एंड एवरीथिंग बट सिंपल एंड इजी वर्ड्स. सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. साइटो साइटो वर्ड जो होता है स्टडी ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी. साइटोलॉजी बोलते हैं. साइटोलॉजी जो साइटो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, सेल से रिलेटेड है. इसीलिए साइटोलॉजी जो होती है स्टडी ऑफ सेल. साइटोलॉजी क्या होता है, साइटोलॉजी, साइटो मतलब सेल, लॉजी मतलब स्टडी, है ना. तो स्टडी ऑफ सेल, सेल की स्टडी को हम बोलते हैं साइटोलॉजी. सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं, हम साइटोलॉजी बोलते हैं, है ना. अब साइटोस्केलेटन के बारे में हमको पढ़ना है. साइटो मतलब सेल, स्केलेटन मतलब कंकाल, तो यानी कोशिका का कंकाल. क्या हुआ, कोशिका का कंकाल, कोशिका कंकाल, है ना, कोशिका कंकाल, यानी कोशिका में जो कंकाल पाया जाएगा. अब हमारी बॉडी में कंकाल जो बना होता है वो बोन्स का बना होता है, बट जो सेल के अंदर कंकाल जो बना होगा वो किसका बना होगा, फिलामेंट प्रोटीन का बना होगा. प्रोटीन के फिलामेंट होंगे, प्रोटीन के धागे नुमा स्ट्रक्चर होंगे जो कि पूरी सेल में फैले हुए होंगे और वो अपना कंकाल बनाएंगे, साइटोस्केलेटन बनाएंगे. अब कंकाल का काम क्या होता है, हमको हमारी बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है ना. बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा यानी सहारा प्रदान कराएगा और लोकोमोशन में मोटिलिटी में हेल्प करेगा. यानी हम जब लोकोमोट करते हैं या एक दूसरे स्थान से जाते हैं यहाँ से वहाँ जाएंगे तो हमारी बॉडी का स्केलेटन होता है, स्केलेटल मसल से ज्वाइंट होते हैं और लोकोमोशन कराते हैं. इसी तरह का इसमें भी है, कुछ पढ़ते हैं आसानी से समझ आएगा आपको, ठीक है. चलिए, साइटोस्केलेटन एन एलोबरेट नेटवर्क. एक एलोबरेट नेटवर्क का मतलब होता है, एलोबरेट का मतलब होता है अच्छा खासा, है ना. एलोबरेट का मतलब होता है ठीक तरीके से, मतलब अच्छी तरह से, है ना, अच्छी तरह से, अच्छी तरह से, अच्छी तरह से, मतलब ये एलोबरेट फैला हुआ होगा, है ना. एलोबरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज साइटोस्केलेटन. तो इसका मतलब क्या हुआ, एक एलोबरेट नेटवर्क होता है जो फिलामेंट का बना होता है, यानी फिलामेंट प्रोटीन के बने होंगे, फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर होगा जो कि साइटोप्लाज्मिक स्कैटर्ड होगा, फैला हुआ होगा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइटोस्केलेटन बोलते हैं. क्या बोलेंगे, साइटोस्केलेटन बोलेंगे, ठीक है, साइटोस्केलेटन बोलेंगे. द साइटोस्केलेटन इन ए सेल आर इन्वॉल्व इन मेनी फंक्शन. जो साइटोस्केलेटन होता है वो एक सेल में बहुत सारे फंक्शन कर सकता है. कौन कौन से फंक्शन कर सकता है, सच एज मैकेनिकल सपोर्ट. मैकेनिकल सपोर्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, मैकेनिकल को क्या बोलते हैं हम, फिजिकल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको, फिजिकल. मैकेनिकल को क्या बोलते हैं, फिजिकल, है ना. मैकेनिकल सपोर्ट यानी फिजिकल सपोर्ट, ठीक है. मोटिलिटी यानी ये मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में सेल को ले जाने में हेल्प करेगा, ठीक है. मेंटेनेंस, मेंटेनेंस शेप ऑफ द सेल, और शेप ऑफ सेल को भी ये मेंटेनेंस करेगा, यानी शेप को, सेल को शेप देगा, यानी आकार प्रोवाइड कराएगा. क्या कराएगा, आकार, ठीक है, आकार प्रोवाइड कराएगा, ठीक है. आगे क्या है, आगे देखते हैं, आगे क्या है, ये हमको फिगर दिखाए गए हैं, फिगर मैं आपको बताऊंगा बाद में, है ना. अब इसमें क्या आया, फिर आगे क्या है, सीलिया ऑफ फ्लैजेला, है ना. इसी में हम देख लेते हैं, सीलिया ऑफ फ्लैजेला के बारे में देख लेते हैं, ठीक है. सीलिया क्या हुआ, सीलिया जो होते हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, और फ्लैजेला जो होता है वो लॉन्ग होता है, ना? देखते हैं हम सीलिया को, सीलिया को सिंगुलर क्या बोलते हैं, सीलियम बोलते हैं, और फ्लैजेला को सिंगुलर में क्या बोलते हैं हम, फ्लैजेलम बोलते हैं. ये याद रखेंगे, ठीक है, पूछ लेते हैं सिंगुलर प्लूरल कभी तो कन्फ्यूज नहीं होने का, ठीक है. सीलिया फ्लैजेला, ठीक है, ये जो होते हैं दोनों किस में हेल्प करेंगे, सीलिया और फ्लैजेला किस में हेल्प करेंगे, ये मोटिलिटी में हेल्प करेंगे, मोटिलिटी में हेल्प करेंगे, मोटिलिटी में हेल्प करेंगे सीलिया और
फ्लैजला, ठीक है। ये जो होते हैं हेयर सिलिया फ्लैजला होते हैं, कैसे होते हैं, हेयर आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन, है ना, सेल मेम्ब्रेन से ये बाहर की तरफ निकले हुए हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, यानी पतले पतले स्ट्रक्चर होंगे, छोटे छोटे होंगे तो सिलिया लॉन्गर हो जाएगा तो वो फ्लैजला, ठीक है। सिलिया स्मॉलर स्ट्रक्चर, सिलिया जो होता है स्मॉलर स्ट्रक्चर होता है, यानी छोटा स्ट्रक्चर होता है, विथ इसका जो काम होता है सिलिया आर स्मॉलर स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओर्स, ये काम करता है विच वर्क लाइक ओर्स, जैसे ओर का मतलब हुआ जैसे नाविक, जो नाव होता है, नाविक जो नाव चलाता है तो उसमें कहते पानी में करता है ना ऐसे ऐसे ओर्स लाइक ऐसे, तो उसी तरीके का मतलब ये मूवमेंट कॉज कराएंगे, है ना, मोटलिटी कॉज करवाएंगे सेल में, सेल के साइटोप्लाज्म में या सेल के साइटोप्लाज्म से बाहर, है ना। सिलिया आर स्मॉलर स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओर्स, ओर्स कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल, या सेल में मूवमेंट कॉज करवाएंगे और सराउंडिंग फ्लूड, या सेल में मूवमेंट करवाएंगे या उसके फ्लूड जो सराउंड में उसके चारों तरफ फ्लूड होगा उसमें मूवमेंट कराएंगे, क्या सीलिया, सीलिया जो होते हैं हमारे स्ट्रक्चर होते हैं वर्क लाइक ओर के तरीके काम करते हैं, ठीक है। आगे क्या है, फ्लैजला, जो फ्लैजला होते हैं, फ्लैजला आर कॉम्परेटरी लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, है ना। फ्लैजला जो होंगे वो क्या कराएंगे, लॉन्गर होंगे, कंपरेटरी लॉन्गर होंगे और रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, यानी सेल का मूवमेंट कॉज करवाएंगे, मूवमेंट करवाने में हेल्प करेंगे, ये याद रखेंगे। सिलिया फ्लैजला जो होते हैं मोटलिटी में हेल्प करते हैं, यानी रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट में हेल्प करेंगे, सेल का मूवमेंट कॉज करवाएगा, क्या फ्लैजला। द प्रोकैरियोटिक फ्लैजला आल्सो प्रोसेस फ्लैजला, है ना, जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं वो उनमें क्या होता है, फ्लैजला होता है ना, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में भी फ्लैजला होता है, बट दीज स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम डेड यूकैरियोटिक फ्लैजला, है ना। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में फ्लैजला होता है बट उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है यूकैरियोटिक फ्लैजला से। किस बेसिस पे डिफरेंट होता है, यानी फ्लैजला और सिलिया का अरेंजमेंट के बेसिस पे डिफरेंट होता है, है ना, वो सारी की सारी चीज़ें हम आगे आपको बताएंगे। जो बैक्टीरिया में सिलिया और फ्लैजला का अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, 1+0 होता है ना। बैक्टीरिया में सिलिया और फ्लैजला का जो अरेंजमेंट होगा 1+0 होगा, बट जो यूकैरियोट में होगा 9+2 का अरेंजमेंट होता है सिलिया और फ्लैजला का, ठीक है। आगे देखते हैं, इसीलिए ये बताया गया वो डिफरेंट होते हैं यूकैरियोटिक और स्ट्रक्चरली प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के फ्लैजला, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजला शोज दैट दे आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी से हमको क्या पता चला, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी से हमको ये पता चला कि जो सीलिया होते हैं और फ्लैजला होते हैं वो कवर्ड होते हैं विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जो कि कैसी होती है, सेमी परमेबल होती है, सेमी परमेबल होती है, लिमिटेड चीज़ें इससे पास हो पाएंगी, ठीक है। द कोर देयर कोर कॉल्ड एक्जोनिम, तो जो इनकी कोर होती है इनको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्जोनिम बोलते हैं, याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है कि एक्जोनिम क्या होता है, सिलिया फ्लैजला की जो कोर होती है उसको क्या बोलते हैं हम, एक्जोनिम बोलते हैं, ठीक है। प्रोसेस ए नंबर ऑफ माइक्रोट्यूबल्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस, और इसमें क्या होते हैं माइक्रोट्यूबल्स होते हैं, माइक्रोट्यूबल्स मतलब क्या हुआ, माइक्रो मतलब छोटा, ट्यूबल्स लाइक स्ट्रक्चर, माइक्रो का मतलब हुआ छोटा और ट्यूबल्स मतलब ट्यूब लाइक होंगे स्ट्रक्चर होंगे जो पैरेलल अरेंज करेंगे, पैरेलल क्या होंगे, रन करेंगे ऐसे 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 ऐसे, ये पैरेलल हो गए ऐसे रन करेंगे लॉन्ग एक्सिस, है ना, लॉन्ग एक्सिस में, ठीक है। द एक्जोनिम यूजली हैज 9 पेयर्स ऑफ डुप्लेट ऑफ रेडली अरेंज पेरीफेरल माइक्रोट्यूबल्स एंड ए पेयर ऑफ सेंट्री लोकेटेड माइक्रोट्यूबल्स, है ना। तो इसमें क्या हुआ, जो एक्जोनिम्स होता है सिलिया फ्लैजला का जो एक्जोनिम्स होता है वो 9 पेयर डुप्लेट होते हैं, यानी दो दो होंगे 9 पेयर होंगे, मैं आपको फिगर में बताऊंगा, दो दो होंगे 9 पेयर होंगे, जो कि कैसे होंगे, डुप्लेट होंगे, दो हैं 9 हैं, यानी डुप्लेट का मतलब दो, ठीक है। और रेडली मतलब एक रेडियस में अरेंज होंगे, कैसे होंगे, रेडियस में अरेंज होंगे, यानी चारों तरफ वो गोल गोल अरेंज होंगे रेडियस में, है ना, यानी ये ऐसे हुआ तो यहाँ पे ऐसे ये रेडली अरेंज हो जाएंगे, इसको बोलेंगे रेडियल अरेंज, ठीक है। और पेरीफेरल माइक्रोट्यूबल, है ना, रेडली अरेंज पेरीफेरल माइक्रोट्यूबल होते हैं। एंड ए पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूबल, और एक पेयर जो होता है बीच में सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूबल्स होता है,
ठीक है, एक पेयर सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूबुल होता है जो कि ऐसे होगा और ऐसे होगा, बाकी ऐसे होंगे यहाँ पे सारे के सारे, नौ के पेयर में, दो दो के पेयर पे, मतलब एक पेयर ऐसे नौ होंगे, नौ होंगे, मैं आपको फिगर में बताऊंगा, ठीक है। सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूबुल होते हैं, सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूबुल इज रिफर्ड एज 9+2। तो ऐसा अरेंजमेंट जो माइक्रो एक्सोनिमल का माइक्रोट्यूबुल में अरेंजमेंट है, तो इस अरेंजमेंट को हम लोगों ने क्या बोला, एक्सोनिमल माइक्रोट्यूबुल के अरेंजमेंट को ऐसे को क्या बोला हम लोग, 9+2 बोला, 9+2 बोला, यानी 9 जो होंगे, 9 क्या होंगे, ये पेरी फेरी वाले होंगे, पेरी फेरी वाले होंगे, है ना, पेरी फेरी वाले होंगे, ठीक है। और क्या होगा, टू जो सेंट्रली होगा, ठीक है, ये फिगर 8.9 में मैं आपको बताऊंगा। द सेंटर ट्यूबल्स आर कनेक्टेड बाई ब्रिज, जो सेंटर ट्यूबल्स होते हैं जो बीच के होंगे वो ब्रिज से कनेक्ट होंगे, है ना, कनेक्टेड बाई ए ब्रिज, कनेक्टेड बाई द सेंटर ट्यूबल्स आर कनेक्टेड बाई ए ब्रिज, वो सेंटर ट्यूबल्स होंगे वो ब्रिज से कनेक्ट होंगे। एंड इज ऑल्सो इनक्लोज बाई सेंट्रल सीट, और ये सेंट्रल सीट से भी इंक्लोज होंगे, ये भी जो होंगे ब्रिज से कनेक्ट होंगे, ये भी सेंट्रल सीट से इंक्लोज होंगे। विच कनेक्ट टू, ये क्या है, सेंट्रल सीट का काम क्या होता है, इसमें हमको बताया है, विच कनेक्ट टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरीफेरल डुप्लेट बाई रेडियल स्कोप, जो ये कनेक्ट करता है, ये ट्यूब्यूल्स को कनेक्ट करता है, पेरीफेरल ट्यूब्यूल्स के डुप्लेट को कनेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक, है ना, रेडियल स्पोक की हेल्प से ये पेरीफेरी वाले डुप्लेट को ये कनेक्ट करता है, ठीक है, याद रखेंगे किसके कनेक्ट करता है, रेडियल स्पोक से, ठीक है। आगे देखते हैं, दस देयर आर 9 रेडियल स्पोक्स, देयर आर 9 रेडियल स्पोक, यहाँ पे कितने 9 रेडियल स्पोक होते हैं, क्योंकि भाई ईच एक रेडियल स्पोक में एक होगा तो 9 है, तो यहाँ पे 9 रेडियल स्पोक हो जाएंगे, आपको फिगर में मैं अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। द पेरीफेरल डुप्लेट, जो पेरीफेरल डुप्लेट होते हैं, यानी जो दो दो के हैं वो पेरीफेरल पेज हैं, वो इंटरकनेक्टेड होते हैं बाई लिंकर, किसके कनेक्ट होते हैं, वो बाई लिंकर के कनेक्ट होते हैं, बाई लिंकर से वो कनेक्ट होंगे, याद रखेंगे डुप्लेट जो होते हैं पेरीफेरल डुप्लेट होंगे वो किससे कनेक्ट होंगे, इंटरकनेक्ट होंगे बाई लिंकर से, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बोथ सीलिया एंड फ्लैजला इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी, है ना, जो सीलिया फ्लैजला जो होते हैं ये इमर्ज होते हैं फ्रॉम सेंट्रियोल्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, जिसको क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी बोलते हैं, सीलिया फ्लैजला इमर्ज होते हैं, है ना, सीलिया फ्लैजला इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बेसल बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपको मैं फिगर दिखाता हूँ, वो फिगर दिखाया गया है, ये हमारा माइक्रोस्कोपिक, है ना, ये जो फिगर दिखाया गया हमको कैसा दिखाया गया है, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक फिगर दिखाया गया है, ठीक है। तो इसमें इतना कुछ नहीं डिटेल्स दिया गया है, पर मेन जो फिगर है अपना क्या है, ये वाला है, इसको हम देखेंगे, बी वाले फिगर को, है ना। अब देखो इसमें क्या था, सीलिया फ्लैजला जो कवर थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर थे, यानी सेल मेम्ब्रेन से कवर थे, ये सभी को पता है, मैंने बताया अभी आपको, है ना, ये किसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन से कवर थे, ठीक है। अब इसमें क्या है, पेरीफेरल जो डुप्लेट थे, 9 जो पेरीफेरल माइक्रोट्यूबल के डुप्लेट थे वो ये हैं, एक तो ये हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना, 9 पेरीफेरल माइक्रोट्यूबल के जो डुप्लेट थे ये 9 हो गए, जो पेरीफेरी यानी रेडियस पे रेडली अरेंज थे, है ना, रेडियस मतलब चारों तरफ पेरीफेरल पे रेडली अरेंज थे, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, उसमें और हमको क्या बताया गया था, ये जो पेरीफेरल माइक्रोट्यूबल होंगे ये कवर से कनेक्ट होंगे किससे, इंटर डुप्लेट ब्रिज से, इंटर डुप्लेट ब्रिज से, यानी इंटर मतलब दो अलग अलग, है ना, दो अलग अलग डुप्लेट जो होंगे वो एक ब्रिज से कनेक्ट होंगे, इसलिए इसको इंटर ब्रिज बोला, इन दोनों के बीच में ग्रीन वाला जो दिख रहा है ये इंटर डुप्लेट ब्रिज है, है ना, दो चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है ये, ठीक है। और क्या इसमें, ये सेंट्रल माइक्रोट्यूबल्स हैं, ये क्या है हमारे सेंट्रल माइक्रोट्यूबल्स हैं, ये हमारे क्या हैं, सेंट्रल माइक्रोट्यूबल्स हैं, ठीक है। और ये जो पेरीफेरल पे डुप्लेट माइक्रोट्यूबल डुप्लेट पाए जा रहे थे, इसमें क्या था, रेडियल स्पोक था, क्या था, रेडियल स्पोक था, कितने थे रेडियल स्पोक, 9 थे, कितने थे, 9 रेडियल स्पोक थे, एक इसमें, एक इसमें, इसमें, ये सारे में हैं, तो यानी 9 रेडियल स्पोक हो जाएगा, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पता है कि सीलिया फ्लैजला प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर्ड होगी, है ना, ये एक जो सेंट्रल सीट है, ये क्या हुई, सेंट्रल की सीट हुई, ठीक है, जिससे क्या कर हमारे क्या, इससे सेंट्रल माइक्रोट्यूबल जो हैं वो कवर्ड हैं, है ना, सेंट्रल सीट से सेंट्रल माइक्रोट्यूबल जो हैं ये कवर्ड हैं, उसके बीच में हैं, है ना, ये रेडियल स्पोक हो गए, मैंने आपको बता दिया,
ठीक है। तो इसमें क्या था, ये हमारा था सेक्शन ऑफ सीलिया स्वयं डिफरेंट पार्ट, यानी जो ए वाला था माइक्रोस्कोप, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया और फ्लैजला का, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं हमसे कि जो यूकेरियोट के सीलिया और फ्लैजला होते हैं वो किस प्रोटीन के बने होते हैं, है ना। यूकेरियोट के जो सीलिया और फ्लैजला होते हैं वो किस प्रोटीन के बने होते हैं, यूकेरियोट के जो सीलिया होते हैं, है ना, सीलिया होते हैं और फ्लैजला होते हैं वो किस प्रोटीन के बने होते हैं, तो वो डाइन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके, डाइन प्रोटीन से, है ना। ये डाइन प्रोटीन के सीलिया और फ्लैजला बने होते हैं यूकेरियोट में, याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो यूकेरियोट के सीलिया और फ्लैजला होते हैं किस प्रोटीन के बने होते हैं, डाइन प्रोटीन के बने होते हैं। अब हमको याद करने के लिए कन्फ्यूजन होगा तो हम आपको इसी से बता देते हैं ट्रिक में। ये जो डुप्लेट है, डुप्लेट का मतलब हुआ दो, डुप्लेट में डी आ रहा है तो यानी ये हम यूकेरियोट का पढ़ रहे हैं ना, उसमें ये समझ लेंगे ये जो बनेगा ये डाइन प्रोटीन का बनेगा, है ना, डाइन प्रोटीन का बनेगा, याद रखेंगे। तो फिलहाल हमारा सीलिया फ्लैजला और साइटोस्केलेटन के बारे में हमने देख लिया। साइटोस्केलेटन का काम था सेल को मोटिलिटी प्रोवाइड कराना, उसमें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, और क्या था, उसमें सेल का शेप प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक आप मेरे से जुड़े रहिए। टेक केयर, बाय बाय, यू हैव ए नाइस डे। आने वाले लेक्चर में हम सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो टेक केयर, बाय बाय, यू हैव ए नाइस डे।